बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शिराजी, आयशा शिराजी, मुर्शिद आजाद की खिदमत में हाजिर है। सो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इफ्तार में बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे बनाई जाती है। सो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो का नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो ये है मेरे पास बोनलेस चिकन और इसकी क्वांटिटी है हाफ के जी यानी कि आधा किलो। और यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश क्रीम और इसकी क्वांटिटी है एक प्याली। और हेयर आर सम स्पाइसेस, तो ये कुछ स्पाइसेस है। 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ड्राई कोरिएंडर पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। नमक लेंगे हम लोग 1/2 टेबल स्पून, आप चाहे तो हंसब जायका भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ज़ीरा पाउडर। तो 3 अदद हम लोग लेंगे हरी मिर्चें और इन्हें हम लोगों ने काट लिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे गिंगर और गार्लिक का पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमारी इस मुनफरद रेसिपी के बनाने में। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। तो वह सबसे पहले हम लोग बोनलेस चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए सारी चीज़ें हम लोग सेट पे कर दी हम लोगों ने, और एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम यानी कि मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो प्रोसेस हम लोग करेंगे ये मैरिनेट प्रोसेस के लिए करेंगे, मैरिनेट पर्पज़ के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, तो काली मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग ऐड करेंगे सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। ऐड करेंगे हम लोग सॉल्ट यानी कि नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची हम लोग बाद में ऐड करेंगे, वो हम लोग कभी नहीं ऐड करेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी स्पाइसेस भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी और जो गुठलियाँ सी बनी हुई है हमारी क्रीम में, वो भी एकदम क्रीमी हो जाएंगी। और तो चलिए तब मिलेंगे जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। सो व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब हम लोग चिकन ऐड करेंगे तो फिर हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, और फिर हम लोग इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए, आप चाहे तो और ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रखेंगे, जितने ज़्यादा टाइम आप उसको देंगे मैरिनेट होने के लिए, ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लिया, तो अब हम लोग इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद, और ढककर हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सो व्यूअर्स, गर्मी के सीज़न में आप लोग रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, इसलिए मैं रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ। और अगर आप ठंड का मौसम ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आप लोग इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद। सो व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं और चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका होगा। तो अब हम लोग ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके नीचे से फ्लेम हम लोग बिल्कुल लो रखेंगे, आंच बिल्कुल हल्के रखेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सारा जो हम लोगों ने मिक्स कर दिया, जो हम लोगों ने मैरिनेट की होने के लिए रखा था। तो ये क्रीम समेत और ये जो हम लोगों ने बैटर सब बनाया था, इन सब सारे समेत हम लोग ऐड कर देंगे कढ़ाई में। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जायके में इंशाल्लाह जायका, जब आप ये ऐड करेंगे तो जायके में इजाफा होगा, अच्छा जायका होगा।
क्योंकि सारे मसाले वगैरह इसी में हैं। तो अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो फिर अच्छा जायका नहीं होगा, इसलिए आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो वे सारे मिक्सचर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऐड कर दिया कढ़ाई में चिकन समेत। तो अब हम लोग इसे आधे घंटे तक ढक कर बिल्कुल लाइट फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल ही लाइट मतलब लो फ्लेम पर पकाएंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद और ढक कर हम लोग पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम लोग चेक कर लेंगे। व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम लोग फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे। सुबह जब हम इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरह चम्मच हिलाते हुए बगैर ढक के पकाएंगे ताकि ये मलाई ज़रा सूख जाए। तो चलिए मिलते हैं 8 से 10 मिनट बाद जब ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा। सुबह इसके अंदर हम लोगों ने ज़रा सा भी ऑयल नहीं डाला, ये क्रीम ने यानी कि मलाई ने अपना ही सारा ऑयल छोड़ा। तो 8 से 10 मिनट तक जो हम लोग पका रहे थे हाई फ्लेम पे, ये उसका रिजल्ट है। तो अब हम लोग इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। सुबह से ऐड करेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लोग 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। सुबह 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी बाउल में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। सुबह तैयार है हमारी चिकन मलाई बोटी और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम लोग इसे सर्व करेंगे। सुबह सब हम तीनों आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये आज की रेसिपी कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह चिकन मलाई बोटी की रेसिपी बहुत ही मज़े की थी और जायका बहुत ही अच्छा है, एकदम रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम लोग उमर और ऐशा से पूछेंगे कि ये आज की रेसिपी कैसे बनी। जी ऐशा, कैसे बनी आज की रेसिपी? बहुत ज़बरदस्त बनी, आप ज़रूर ट्राई करें। जी उमर, बहुत ही मज़े की है। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।